We'll take a moment for ourselves. Prepare. एंड अपने हाथ जमीन पे विद फुल इनहेलेशन लंबी सांसों के साथ हम अपने हाथों को ऊपर लेंगे और जब हम सांस बाहर निकालेंगे एक्सहेल करेंगे तो हाथ नीचे आएंगे फुल स्ट्रेच हम साइड्स चेंज करेंगे बॉडी को एक्टिव करेंगे हम ट्विस्ट करेंगे अपनी वेस्ट लाइन को कम करेंगे हम फुली एक्टिव फुली माइंडफुल कंप्लीट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन आर सेल्स ऑन आर बॉडी थोड़ा सा पुश करेंगे इस बार थोड़ा सा पीछे और वेरी गुड हमारी अपर बॉडी एक्टिवेट है अब हम अपने लोअर बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव करेंगे और फिर हम जाएंगे इंटेंस बॉडी वर्कआउट पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग The other leg. Open. Enjoy it fully. Complete focus.
10 सेकेंड का पॉज, छोटा सा रिलैक्सेशन पॉज, हमारी बॉडी इस वक्त फुली एक्टिव हो चुकी है। थोड़ी सी हम अपने चेस्ट को थोड़ा सा एक्टिव करेंगे। नाउ इनवर्ड्स, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। And then side to side. Just enjoy your every moment. अपने हर पल को मजे से जिएंगे हम। Now, some round movements for our neck. अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो यू शुड एक्सरसाइज योर नेक ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि आपकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल रहे, आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहें। देखिए, हमारी बॉडी में जब भी हमारे किसी भी मसल में, हमारी किसी बोन में पेन होता है, उसका सबसे मेन रीज़न स्टिफनेस होती है। हमारी बॉडी में बोन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, तो जब हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, हम कोई फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो हमारा वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे भी आपको पेन होता है वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, आपके जो मसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से जो उन मसल्स के अराउंड, उसके अंदर जितनी भी नर्व्स होती हैं, उन्हें मूवमेंट के लिए अच्छे से जगह नहीं मिल पाती है और वो उन मसल्स के साथ स्टिफ हो जाती हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में एक स्टिफनेस है, एक स्टिक हो चुकी है बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है और पेन बहुत है। हमारे लोअर बैक पेन का भी सबसे मेन इशू यही होता है कि जो आपके लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। इसीलिए जो इससे पहले हमने अभी जो साइड टू साइड लेग स्ट्रेच करी थी, उसमें जो हमारा बैक है, लोअर बैक स्पेसिफिकली, वो यूज़ होता है और उसमें हमारी वो जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, उनकी थोड़ी मूवमेंट होती है और वो जो स्टिफनेस है वो कम होती है। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो इससे पहले जो मैंने आपको साइड टू साइड वन लेग फोल्डेड पोज करवाया, वो आपको रोज़ दिन में करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लोअर बैक मसल्स के जो वर्कआउट है वो होगा और आपको बैक पेन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा।